नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंकिता एकेडमी पर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपडेट होगी तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आई होप कि आप सभी को पसंद आए। तो आज के मैं इस टॉपिक में जो बात करने वाली हूँ वो है यूट्यूब से पैसा कैसे कमाया जाए। तो YouTube से एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना गया है पैसे कमाने के लिए। लोग कई तरह की मेहनत करते हैं, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई फिजिकल वर्क करता है, तो कोई माइंड वर्क करता है। तो आज हम इन्हीं तरीके की जो काम कर रहे हैं उन्हीं से रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा जो मैं बात करने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, और सबसे बड़ी बात जो मेन रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि वीडियो पूरा जरूर देखें। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं, तो उससे आपका लॉस ये होगा कि जो मैं मेन टॉपिक्स या मेन जो आपको बात बताने वाली हूँ कहीं वो आपकी रह ना जाए, कहीं कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जोर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं जो तीन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। 2019 यूट्यूब पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने यूट्यूब्स ने क्या किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। तो उन्हीं तीन टॉपिक्स में आपकी बात करती हूँ। जो पहला टॉपिक्स है वो है 1000 सब्सक्राइबर। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब का जो नया नियम है उसमें पहला जो पॉइंट है वो है 1000 सब्सक्राइबर। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका 10000 व्यूज़। जी हाँ, आपका जो दूसरा टॉपिक है वो 10000 व्यूज़ होना चाहिए व्यूअर्स के द्वारा। और जो तीसरा टाइमिंग है वो है 4000 घंटे व्यूअर्स टाइम। जी हाँ दोस्तों, तीसरा टॉपिक जो मेन है वो है 4000 व्यूअर्स टाइम, जो कि पहले नहीं था, अभी हो गया लेटेस्ट में। चलिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बात बताऊँगी। तो मैं आपको इन्हीं तीन टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम लोग पहले अपने टॉपिक से बात करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर। तो यूट्यूब ने क्या है, हमें 1 ईयर का टाइम दे रखा है, मतलब 12 महीने का टाइमिंग दे रखा है। उसमें हमें कम से कम एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होना कंपलसरी है। अगर आपका ये चीज़ एक ही महीने के अंदर हो जाता है, अगर आप अचीव कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आपका ये टाइम खींचते खींचते 1 ईयर से अबव हो जाता है तो जब तक आपके लिए कोई इनकम सोर्स नहीं शुरू होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सेकंड चीज़ पर जो बात करने वाली हूँ वो 10000 व्यूअर्स टाइम की बात कर रही हूँ। दोस्तों, जो हमारे वीडियो के टोटल व्यूअर्स हों, जैसे आप मान लीजिए एक साल में 5 वीडियो डाली हो या 1 महीने के अंदर 5, या जितने भी आपने वीडियो डाली उसका जो टोटल व्यूअर्स होगा वो 10000 व्यूज़ से ज़्यादा होना चाहिए। चाहे आप ये कितने समय भी कवर करें, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब हालांकि लोग देखना चाहेंगे कि आपकी वीडियो में कितनी क्रिएटिविटी है, तो 10000 व्यूअर्स होना कंपलसरी है। उससे ज़्यादा होता है तो आपका गुड लक बहुत अच्छा चल रहा है। और तीसरी टॉपिक में जो आपकी बात करने वाली हूँ वो है 4000 आवर्स व्यूअर टाइम्स। जी हाँ, 4000 घंटे व्यूअर्स का टाइमिंग होना चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग पहले ये चीज़ नहीं थी, 2017 से पहले ये चीज़ नहीं थी, अभी लेटेस्ट में जो चेंजेस हुआ है वो है कि जो आपने वीडियो बनाई है उसको जो पीपल्स देख रहे हैं तो उसमें आपका जो टोटल व्यू उन्होंने जो देखा है टाइमिंग वो 4000 घंटे होना चाहिए। अगर इन फॉल मान लीजिए इन केस कि किसी ने ये वीडियो क्या किया है, कुछ समय देखा और फिर छोड़ दिया, मान लीजिए 2 मिनट देखा है, 3 मिनट, इस तरीके से वो टाइमिंग जो है ना इंक्लूड होते लास्ट में यूट्यूब टोटल करेगा कि आपको 4000 घंटे हुआ है या नहीं। तो लोग इसमें क्या करते हैं, अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से या बूट के द्वारा आपका व्यूअर्स का जो घंटे का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया जाता है कि हाँ हमारे व्यूअर्स ने इतना देखा है। बट यूट्यूब की नज़र तो सब पर है, आप पर भी और मुझ पर भी, तो ये सबसे बड़ी फॉल्ट है। सेकंड टाइम क्या होता है कि हमारे जान परिचित वाले लोग होते हैं, वो हमारी वीडियो को बार बार ओपन करके अपडेट की हुई वीडियो को बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि हम लोग अगर बार बार देख रहे हैं तो टाइमिंग का इंक्लूड बढ़ेगा, 4000 कम्प्लीट जो टारगेट है वो जल्दी कम्प्लीट होगा। बट यूट्यूब ने इस चीज़ पर भी पाबंदी लगाई हुई है, वो आप इस समय कर रहे हैं वो ठीक है, और जब यूट्यूब अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा और टाइमिंग चेक करेगा तो जो पब्लिक व्यूज़ ओरिजिनल टाइमिंग है, जो रियल है, उसको इंक्लूड किया जाएगा और जो फेक है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आज का जो मेरा टारगेट है और जो मैं आपको तीन चीज़ें जो मेन बताना चाहती थी वो यही है दोस्तों। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए।
अभी जो न्यू सब्सक्राइबर, न्यू यूट्यूबर्स जो बनने वाले हैं, जो नया चैनल अपना क्रिएट करके यूट्यूब पर पैसा कमाने वाले हैं, तो मेरा उन लोगों से सभी खास तौर पे कहना है कि प्लीज़ इन तीन मिस्टेक्स का बिल्कुल भी ना होने दें, इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ये तीन गलतियाँ गलती से भी ना हो, इन चीज़ों पर ध्यान बेसिकली दिया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो से अलविदा लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर नई वीडियो के साथ पेशकश करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।